किसानों के फल और सब्जी की सप्लाई तेजी से करने के लिए किसानों को फायदा मिले, इसके लिए रेलवे ने किसान रेल शुरू की है। छिंदवाड़ा से हावड़ा रवाना हुई किसान रेल रायपुर पहुंची, लेकिन हावड़ा के किसानों को इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से हावड़ा से ये किसान रेल खाली लौट आई। किसानों के फल और सब्जी की सप्लाई तेजी से करने और किसानों को फायदा मिले, इसके लिए रेलवे ने किसान रेल शुरू की है। एक फेरी के लिए छिंदवाड़ा से हावड़ा रवाना हुई किसान रेल आज सुबह रायपुर पहुंची, लेकिन हावड़ा के किसानों को शायद किसान रेल नहीं भाई। यही कारण है कि पूरी ट्रेन खाली थी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक हावड़ा के किसानों को संभवतः इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि किसान रेल चलाई जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसानों को भी समय पर ही इसकी जानकारी मिली थी कि रेलवे किसान रेल चला रही है। रायपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों ने आनंद फानंद में किसान के खेत में जाकर संपर्क किया, जिसके बाद यहां से हावड़ा के लिए लोडिंग मिली थी। रेल अधिकारियों के मुताबिक यहां से जाते समय ट्रेन में 2.6 टन और दुर्ग से लगभग 6 टन फल और सब्जी लोडिंग हुई। वहीं छिंदवाड़ा से रायपुर तक 161 टन फल और सब्जियां किसानों ने भेजी थी। किसानों ने डिमांड की है कि रेलवे को पूरी ट्रेन चलाने की बजाय हर रूट की ट्रेनों में कुछ बोगी किसानों के लिए रिजर्व करना चाहिए, जिससे किसान फल और सब्जी की सप्लाई कर सकता है। इससे डिमांड और सप्लाई भी बरकरार रहेगी और किसानों को यहां से हर रूट में फल और सब्जी भेजने में भी आसानी होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।